प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन भी आपको पैसेज में, अनसीन पैसेज में आएंगे, या तो इसको छांटने के लिए कहेगा, कलेक्टिव नाउन चुनिए, उसका मीनिंग करने के लिए कहेगा, या वर्ड दे करके नियरेस्ट वर्ड के लिए रूप में कहेगा, इसके बदले के रूप में कहेगा। इसलिए वर्ड को तो कमांड करना बहुत ही आवश्यक है ही, और इसे एक सामने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, जो अभी हम डिस्क्राइब कर देते हैं, बता देते हैं, ताकि आपको आगे असुविधा ना हो। वो कलेक्टिव नाउन है क्राउड। क्राउड होता है लोगों के भीड़, लेकिन ऐसा भीड़ जो किसी काम को पूरा करने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे राशन के लाइन में भीड़, राशन दुकान में भीड़, ट्रेन में भीड़, इसको कहते हैं क्राउड। हर्ड ऑफ कैटल, मवेशी के का झुंड होता है, उसको कहते हैं हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल। छात्रों के समूह होते हैं, उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तारों के समूह, उसको कहते हैं क्लस्टर। डकैतों के समूह, उसको कहते हैं गैंग, गैंग ऑफ रॉबर्स। चीटियों के समूह, उसको कहते हैं स्वार्म, ड्रॉफ ऑफ कैटल। जिस तरह के अभी हम बताए थे हर्ड, इसी तरह दूसरे वर्ड ड्रॉप भी है, मवेशियों के समूह। सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम, लगातार एक पर एक दूसरा कोई घटना होती रहा, उसको कहते हैं सीरीज। बंडल ऑफ क्लॉथ, कपड़ों के ढेर होते हैं, उसको कहते हैं बंडल। फ्लॉक ऑफ वर्ड्स, चिड़ियों का झुंड, एक जगह बहुत सी चिड़िया इकट्ठा हो जाता है, उसको कहते हैं फ्लॉक ऑफ वर्ड्स। ट्रूप ऑफ डांसर, नर्तकों का समूह। इसका स्पेलिंग को ध्यान में रखे, TRUPE ऑफ डांसर होता है, लेकिन बच्चों के समूह कहते हैं TROOP, ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन। दोनों के स्पेलिंग में अंतर है, ये स्पेलिंग के मिस्टेक करने के है, उसको भी सही करने के लिए कर सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। जूरी ऑफ जजेज, न्यायाधीशों के बेंच। ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, TROOP ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के समूह। पाइल ऑफ बुक्स, पुस्तकों का गट्ठर। हर जगह समूह के लिए अलग अलग वर्ड है। ए क्वायर ऑफ म्यूजिशियन, संगीतज्ञों का समूह। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, वही संगीतज्ञों का समूह। ए कोर्स ऑफ स्टडी, पाठ्यक्रम। शीप ऑफ ग्रेन, अनाजों का ढेर। ए हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों के समूह। ए फ्लीट ऑफ शिप, जहाजों का बेड़ा। ए शोल ऑफ फिश, मछलियों का समूह। ए लॉक ऑफ हेयर, बालों के लट। ए स्टॉक ऑफ कोल, कोयला का ढेर। ए स्टिंग ऑफ ओनियन, प्याजों का ढेर। ए बेवी ऑफ लेडीज, अधिक से नारियां उपस्थित रहते हैं, एक जगह इकट्ठा रहते हैं, उसको कहते हैं बेवी ऑफ लेडीज। ए पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी भर नमक। ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, उड़ते हुए चिड़ियों के झुंड। इस तरह समूह में अलग अलग वर्ड होते हैं, जो लिखते समय में दिमाग में नहीं रहता है, और खासकर भी बताया है कि आने वाले एग्जाम है, उसमें अनसीन पैसेज के रूप में पूछा जाता है, या आपको ये भी कर सकता है कलेक्टिव नाउन के कुछ उदाहरण देख दें। और दूसरी बात, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं उसके पहले ए लगता ही है, ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, आगे तो ऑफ लगने के कारण तो प्लूरल आ गया ये, लेकिन इसका वर्ब होगा सिंगुलर। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग, नॉट आर, ये ध्यान में रखना है। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, डकैतों के समूह। गैंग ऑफ रॉबर्स इज आर नहीं, इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। करेक्शन में, मिसिंग में, एडिटिंग में, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आ सकता है, जो आगे आने वाले एग्जाम में। और उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ होगा और आप लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।